जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीआर न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। रिमझिम बारिश ने किसानों की चेहरों के ऊपर खुशियां बरसा रही है, जो आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। ये सीतापुर के रेवसा क्षेत्र करपतपुर चौराहे की तस्वीर है, जहां पे पूरे क्षेत्र में बारिश झमाझम बारिश ने। चलो हम बात कर लेते हैं जो इस वक्त सीतापुर के रेवसा क्षेत्र में हो, ग्राम पंचायत दलपतपुर चौराहे पे जाओ। हम दिखाएंगे ये दुकानें हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं शांति से और अपनी फसल को निगरानी कर रहे थे वो किसान, जो आज उनको राहत भरी सांस मिल रही है। उस किसान के संबंधित जानकारी, जो किसान लोग हैं अपनी खेती करते हैं उनकी जानकारी संबंधित हम बात करेंगे उनके सम से, और क्या लोगों को इसमें राहत मिली है, क्या पहले से जो था वो क्या दिक्कतें थी, बताइए भैया जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। पिता का नाम? कहाँ रहते हो? दलपतपुर रहते हो। अच्छा, ये बताए आप किसान हैं? किसान हैं। कितनी खेती बोते हैं? दो एकड़ जमीन। काफ़ी पैसा लगता होगा उसमें? बहुत पैसा लगा है। अच्छा, ये बता दीजिए जो ये बारिश हो रही है, ये मुसलसल और मूसलाधार बारिश, बढ़िया मस्त बारिश हो रही है इस वक्त। मौसम आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। मगर इससे बारिश से आप लोगों को क्या तकलीफ हुआ है? बारिश से पहले जो नहीं हुआ था तब तकलीफ था? तब तकलीफ। क्या क्या तकलीफ था बताइए जरा। हर इंसान को परेशानी, जानवर भी परेशान, और फसल सब पूरा पैसा सब दाड़ हो गया जानवर। अब कुछ बारिश हुई तो आपको राहत मिली। कौन कौन फसल बोए थे? फसल यही धान लगा है। धान है, मकई है। मकई भी बंदर नहीं रखा। अच्छा, बंदर नहीं रखते तुम्हारे दलपतपुर में। एक बात आपने ये भी बताया है कि बंदर नहीं रखते, मगर बंदरों का एक आतंक बहुत ज़ोर से तुम्हारे दलपतपुर ग्राम पंचायत में चल रहा है। काफ़ी किसानों की गन्ने की फसल को नष्ट किया गया, जिसका मैंने पूर्व खबर को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। मगर वो बंदर, जो बंदर है वो तुम्हारे क्षेत्र में कैसे गुजर बसर करते हैं, और क्या अधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं? कोई ना। बंदरों से कितनी फसल आपकी नष्ट हुई है? बहुत नष्ट हो गया, बहुत। हजारों बीघा गन्ना चला गया। अब उड़ा दूसरा काट के आते हैं पूरा, और धार के है, धार का सब पीका सब लोन रहा था, सारा पीका धान लोन रहा था, जो मेरे बाला सबका लोन रहा थे। जो नुकसान काटते हैं बंदर बहुत अधिक ज़्यादा, ये फसल अभी मतलब मजदूरी मार करा जाते हैं, फसल तो बहुत उठते रहे। एक तरफ उधर सूखा लेके जा रहा था, दूसरी तरफ बंदर लेके जा रहे, यानी आप लोग मुसीबत में ही मुब्तला है। बहुत परेशान है, हर किसान परेशान। चलो और बात कर लेते हैं भैया जी, थोड़ा देर घूमिए, आप भी किसान हैं? अच्छा, तो ये बारिश में आप बैठे हैं, आपको खेत को नहीं गए रखवाली करने के लिए? कितनी खेती बोते हैं आप? खेती हमारे पास 20 बीघा बोए। अच्छा, 20 बीघा बुआई करते हैं। अच्छा, ये बताइए जो बारिश हुई है इससे आपका नुकसान हुआ या फायदा हुआ? हमारा फायदा हुआ है, बारिश न होते तो हम बर्बाद गए। अच्छा, तो सभी किसानों का फायदा हुआ होगा, क्योंकि ये जो फसल है इस वक्त जो उगाई जा रही है, धान की फसल है और जैसे कि उड़द की है और मक्का की फसल है, ये अनेक फसलें हैं जो इस वक्त उगाई जा रही है, इसमें फायदा है या नुकसान है? फायदा है। फायदा है, फायदा। तो तुम्हारे क्षेत्र में और बताया गया है कि कुछ बंदरों का आतंक भी चल रहा है? बंदरों से ना कुछ 3,000-4,000 बंदर है ना, वो घर पर कोई कुछ सामान रखा खाना तक छीन ले जाते हैं। यानी औरतों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर हमला भी कर देते हैं? अच्छा भाई, जब आटा और रोटी किसान बचते हैं उसको उठा ले जाते हैं। अच्छा, हाथ में उस वक्त रोटी पकाने के दौरान में अगर आटा रखा होगा, बंदर देखे झपट गए, पंजे मार दिए होंगे, ऐसे घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी, मगर घटी तो नहीं है अभी तक कोई घटना। छीन ले जाते हैं। अच्छा अच्छा,